वीडियो में हम जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारा पीडीए का उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें हम अभी जो चीज़ कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमने सी और बीसीडी का पाथ हमने बना लिया था। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अनदर पाथ एसीई। अब हम देखते हैं कि इस एसीई को हमने किस तरीके से जो हमारा पीडीए बन चुका है उसके अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब हम देखते हैं कि एसीई को किस तरह से देखना, इसका मतलब है स्टार्ट में ए आएगा, ये हमारे पास रिलेशन था ए सी और ई को अब हमने रिलेट करना है। ये वाला पोर्शन मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा, और ये पोर्शन जो है ना ये आपस में आप इन्होंने एक साथ रिलेट करना ए सी ई की। अब हम बात, तो मैं स्टार्ट में इसकी स्टेट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल इट एज अ यू स्टेट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका मतलब है ए आया है, टैग में जी नॉट पड़ा होगा, डिफॉल्ट सेटिंग जो है, और मैं इसमें ए जी नॉट पुश करवा देता हूँ कि पहला ए आ गया है। और इसके बाद जितने भी एज आएंगे उसे इस टैग में ए मिलेगा, और आपने क्या करना है ए को पुश करा देना। अब यहाँ पे ये भी जो है अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये वाला सी जो है वो फर्क है इस वाले सी से, और इवन इस वाले सी से भी ये फर्क होगा, क्योंकि जो स्टैक है हमारे पास उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से है कि जब खाली सी को देख रहे थे तो हमें पता था कि स्टैक में खाली जी नॉट पड़ा हुआ है और हमने इसे एक्सेप्ट करवा दिया। लेकिन अगर हम बात करें बीसी डी की, तो उस वक्त आपके पास स्टैक में जी नॉट नहीं था, बल्कि हमारे पास पी के कोई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मिनिमम एक हो सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये एक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और इसी तरह से जब हम इस पाथ पे आएंगे, यहाँ पे भी हमें पता है कि जी नॉट तो एक मार्कर है, टॉप पे है, लेकिन हमें जो चीज़ मिलनी है वो ए या एक से ज़्यादा बनेंगे। इस वजह से ये वाला पाथ आपके पास जो है वो सी का वो फर्क होगा, ये वाला भी फर्क होगा, और इसी तरह से इसका भी अलग एक बनेगा। तो लेट्स सी कि फाइनल हमारे पास इसकी जो स्टेट्स हैं वो किस तरह से होंगी। एक और बना लेता हूँ स्टेट डबल डैश, यहाँ से मुझे पता है कि ए के बाद सी आना चाहिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि अब स्टैक में ए पड़ा हुआ है और मुझे जस्ट उसे इग्नोर करना है, जस्ट नो ऑपरेशन वाला काम करना है कि ए को ही आपने रीड किया और उसी को एज इट इज स्टैक में राइट करवा दिया। और अब सीज कितने आ सकते हैं, सी एक आ सकता है या बहुत सारे आ सकते हैं, तो दैट केस आपने इसका और ए सी के बाद क्या आना चाहिए थी, पी आना चाहिए। लेट्स सपोज ई के लिए एक और स्टेट में बना लेता हूँ। अब ई पे मुझे पता है मुझे स्टैग में ए मिलना चाहिए, मैंने ए लिख दिया, और इसके बाद मैंने नल लिख दिया क्योंकि मैंने ए को रीड करने के बाद फिर डिस्कार्ड करना था। फर्स्ट आया स्टेट, अब ये ट्रांजिशन पे मुझे ये दैट इज मिलेगा सी के बाद, स्टैग में ए मिलेगा, और आपने क्या करना है उसे इस तरीके से पॉप करवा देना है। ये नल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वैसे भी पॉप ऑपरेशन है। अगेन ही रीड करेंगे, एक उस टैग से देखेंगे, और फिर आपने क्या करवा देना है उसे, फिर आपने फिर रिमूव कर देना है फ्रॉम स्टैग। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक प्रिंट खत्म नहीं हो जाती, नल आएगा क्योंकि ए और ई दोनों इक्वल हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग थी जी नॉट जी नॉट वाली वो यहाँ पे चलनी चाहिए, स्टैग को एम्प्टी होना चाहिए, उसके बाद इसकी एक्सेप्टेंस होगी। तो नाउ वी आर डन विद अनदर पाथ, यहाँ से मैं इसे भी हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ कि ये पाथ भी हम अपना सॉल्व कर चुके। नाउ वी लेफ्ट विद द फाइनल थिंग, फाइनल थिंग क्या है, वो है जी आपके पास ए बी सी डी ये वाला पाथ। अब ये किस तरह से होगा, तो हम देखते हैं अभी तक जो हमने बना लिया है ऑटोमेटा, तो किस तरीके से हमने बनाया है।
ये हमने उस ऑटोमेटा अपना डिजाइन किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि केज आने के बाद, यहाँ पे केज आने के बाद व्हाट इफ के बी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस ए के बाद अगर बी आ जाए तो मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है। ए के बाद बी आ गया, लेकिन अब स्टैग में क्या पड़ा होगा, टैग में पड़ा होगा जी ए पड़ा होगा, और आपने करना क्या है, आपने इस ए के ऊपर बी रखवाना। इस तरीके से मैंने ये ट्रांजिशन यहाँ पे कर दी। कि आपने यहाँ पे टैग में पहले ए की वजह से जो ए आ रहे थे वो आते रहे, जैसे ही सिंबल आया बी तो आपने क्या किया, स्टैग में ए को रीड करने के बाद रीड किया तो इसका मतलब डिस्कार्ड हो जाएगा, दोबारा आपने ए को रखवाया और टॉप पे आपने बी पुश कर दिया, तो इस वजह से आपने यहाँ पे ये बी ए लिख दिया। ये ट्रांजिशन हो गई। अब देखते हैं जी बी के बाद सी आएगा तो यही पाथ है। अब यहाँ पे डी, लेकिन अब यहाँ पे एक और मसला आएगा, वो ये आएगा कि डी के बाद अब एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि इस रास्ते में हमारे पास ए बी सी डी और उसके बाद ई है, तो यहाँ इस डायग्राम में जो स्टेट मशीन है हमारे पास पी डी ए की, इसमें एक और चेंज भी आएगा, और वो चेंज ये आएगा कि डी के बाद अब वो नल के साथ एक्सेप्टेंस पे नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से कुछ और भी करना होगा, और वो क्या करना होगा, एक बात तो यह कि पाथ ही पूरा फर्क बनेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, डी से ई पे लेके जाता हूँ, डी से ई पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, इनपुट ई आएगी, और स्टैग में क्योंकि वो बी निकाल चुका होगा तो ए पड़ा होगा, और ए पड़ा होने का मतलब यह है कि उसे ए को रीड करना है और उसे नल करना। तो दैट्स इट, ये हमारे पास इसका पी डी ए कम्प्लीट हो चुका है, और जो पाथ हमने डिफाइन किए थे वो अब आप यहाँ पे इस तरीके से रियलाइज करके देख सकते हैं कि एक हमने सी के पाथ को एक्सेप्ट कराना था वो ये आ गया, इसके बाद हम अगर कहें तो हमारा दूसरा पाथ जो था वो था डी वाला, तो यहाँ से आएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और पाथ जो बनना चाहिए था ए सी ई वाला, वो ऐसे आएगा, और अब जो इसमें सबसे बड़ा पाथ था वो कुछ इस तरीके से था कि आप पहले एस से ए पे गए, फिर डी पे आ गए, डी से सी पे आए, और सी से डी पे गए, और डी से फिर ई पे आके अब आपने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। तो ये इसमें तीनों के तीनों पाथ, सी का, ए सी ई का, बी सी डी का, और ए बी सी डी और ई, ये पांचों के पांचों पाथ अब इसमें एक्सरसाइज हो रहे हैं। और ये स्टैग सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डी से जब हम आए थे तो ये नल के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि स्टैग एम्प्टी होना चाहिए, जी नॉट होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे ए के साथ चले हो तो स्टैग एम्प्टी नहीं होगा बल्कि उसमें ए पड़ा होगा, तो उसकी मजबूरी बन जाएगी ई को फाइंड आउट करना यहाँ पे जाके। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है पुश डाउन ऑटोमेटा बन चुका है फॉर ऑल गिवन प्रॉब्लम। आई होप कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपको आपके बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। That's all about today's lecture. Allow me to see.